हेलो दोस्तों, मूवीज़ रिव्यू के एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका। मैंने देखी अमेजन प्राइम वीडियो की तरफ से आई एक्शन एडवेंचर ड्रामा और कॉमेडी जॉनर की कोरियन मूवी सिंकहोल, जो कि अब इसे हिंदी डब्ड में भी अवेलेबल कर दी गई है। कैसी है ये मूवी और मुझे पर्सनली कैसी लगी, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले हर बार की तरह बिना स्पॉइलर दिए इसकी स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी में हमें देखने को मिलता है कि पार्क डोंगवोन अपने लाइफ के 11 साल बाद एक नया घर खरीदता है, जहां वो अपने कलीग्स को पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। सब कुछ सही चल रहा होता है कि अचानक उसका बिल्डिंग जमीन के अंदर धस जाता है। अब क्या वो सारे लोग जमीन के अंदर से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या नहीं, या फिर वो लोग अंदर ही अपना दम तोड़ के जान गंवा दें, यही सारे सवालों के जवाब के लिए देखनी होती है हमें ये मूवी। अब बात करते हैं इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा, और क्या आपको भी इस मूवी पर अपना वक्त देना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसकी लेंथ 1 घंटा 53 मिनट्स की है और इसकी स्टोरी सर्वाइवल और डिजास्टर पर फोकस करती है। और इस मूवी के शुरू से लास्ट तक जैसे इसकी स्क्रीन प्ले है और जैसे इसकी सिनेमाटोग्राफी है, आपको हर वक्त एक थ्रिल फील कराती है। स्क्रीन पर जैसे इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है, आपको हर वक्त उनके टेंशन और स्ट्रगल को देख के उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो और उनके लिए केयर भी होती है कि वो सारे किसी तरह बच जाए। क्या वाकई में वो सारे इस मुसीबत से बाहर निकल पाते हैं, यही टेंशन लास्ट तक बना के रखती है ये मूवी। वैसे मूवी के बीच बीच में कॉमेडी और पंचलाइन भी सुनने को मिलता है, जो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग फील कराती है। वैसे सारे एक्टर्स ने इसमें कमाल की परफॉर्मेंस दी है और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छा किया गया है, जिसकी वजह से आप उनके साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हो और उनके लिए आपको टेंशन भी फील होती है। वैसे इसमें एक्शन सिक्वेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको ये मूवी हर वक्त एक इंटेंस थ्रिल देती है। अब बात करें इसमें नेगेटिव की, तो हॉटस्टार पर 2024 में आई एक वेब सीरीज मंजुमल बॉयज के जैसे थोड़ी बहुत सिमिलर लग सकती है, अगर आपने वो वेब सीरीज देखी हो तो। पर वो भी एक मास्टरपीस सीरीज थी और ये भी एक कमाल की मूवी है। और जो डिजास्टर सर्वाइवल और थ्रिलिंग मूवीज देखना पसंद करते हैं, वो इस मूवी को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी हिंदी डबिंग प्रोफेशनल की गई है और इसमें कोई एडल्ट लैंग्वेज या एडल्ट सीन नहीं है, तो आप इसे फैमिली के सामने भी देख सकते हैं। अब इस मूवी को मेरी तरफ से रेटिंग दूंगा 4.5 out of 5 stars। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।